आज हम बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए हमने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में तेल डाल दिया है। सबसे पहले मूंगफली को हम थोड़ी देर भून लेंगे। 5 मिनट तक भूनते रहेंगे क्योंकि मूंगफली जल जाती है। उसके बाद निकाल लेंगे मूंगफली को। उसके बाद उसमें जीरा डालेंगे। जीरा पक गया है, लहसुन और मिर्चा डाल देंगे। सब डाल दिया है, मिर्चा और लहसुन भी पक गया है, चला दिया है हमने। अब हम आलू डाल देंगे। छोटी छोटी आलू काट के मैंने रखी थी, वो डाल दी है। आलू को रेड होने तक भूनेंगे, लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो आलू जल जाते हैं। हम भूनते रहेंगे लगातार। हमारे आलू करीब करीब रेड हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर मैंने डाल दिया, 2 काट के रखा था। अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। हल्दी डाल देंगे, नमक डाल देंगे, साबूदाना भीगा हुआ कल मैंने भिगोया था रखा था वो डाल देंगे। हमारी साबूदाने की खिचड़ी रेडी हो गई है। थोड़ी सी मूंगफली डाल देंगे, ऊपर से धनिया डाल देंगे और प्लेट में मैंने निकाल दिया। नींबू डाल देंगे। सब डालकर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और कुछ तो कर दिया करें।